गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोगों के लिए बहुत गुड हो आज की मॉर्निंग, बट मेरे लिए बिल्कुल नहीं है यार। मतलब सुबह उठते मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, मैं सुबह ना मतलब पहले ही नहीं इतना फ़ोन यूज़ करती थी, बट अब ना मैं इतना सुबह उठते कि मुझे होता मैं पहले फ़ोन पकड़ूँ, कि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स सुबह पढ़ के ना मतलब दिन बन जाता है। तो आज भी मैंने सेम फ़ोन पकड़ा और मैं अभी देख भी नहीं रही थी, मैं सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी एंड मुझे अच्छा लग रहा था। और बस एट द सेम टाइम मैंने चेक किया कि मेरे चैनल पे 3 कॉपीराइट क्लेम आए हुए हैं। 2 तो हैं लाइक उसके आगे येलो कलर में उसका साइन बना है और एक के आगे ग्रीन है। मुझे उन दोनों का नहीं समझ आया, बिकॉज एक तो था जो मतलब वो जो मैंने वेडिंग वीडियो डाली है उस पर मतलब मैंने 2-3 सॉन्ग लगाए हैं, तो उसका मुझे आइडिया था फाइन कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मैंने देखा था पहले तो। बट उन दोनों पे आए मुझे समझ नहीं आया। एक की तो बैकग्राउंड सिर्फ सॉन्ग है जो मतलब मैंने इन लाइक नो क्रॉप ऐप से जब एडिट की थी वो वीडियो, तो उसी का म्यूज़िक लेके डाला था, बट आई डोंट नो उस पर भी कॉपीराइट दे दिया इन्होंने। और मुझे तो पता नहीं इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करूँ, बिकॉज मैंने कभी इस साइड बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं, और इवन अभी मेरा अकाउंट मोनेटाइज भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। आई एम सर्चिंग कि कुछ सोल्यूशन मिल जाए। मतलब आई गेस मुझे उठे हुए अभी 30 to 40 minutes हो चुके हैं और मैं तब से YouTube वीडियोस देख रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को भी ऐसी वीडियो या किसी को भी कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे Instagram पे DM कर दो, सो दैट मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए। मतलब यार मैं इतना ना नो और मुझे मैं उठी थी स्पेशली कि मुझे भूख लगी है और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। कैसे आई फील बैड यार। मेरा मतलब कह लो कि आप लोगों के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बन चुका है ना कि अब मेरा मन नहीं करता कि मैं मतलब मेरा अकाउंट बंद हो या मैं यूट्यूब छोड़ूँ। मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई लव यू गाइज एंड मुझे अच्छा लगता है आप वीडियोज़ बनाना। अगर मैं मतलब दिन में एक वीडियो शूट ना करूं या एडिटिंग ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन ना कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर वो एकदम अकाउंट बंद हो गया तो पता नहीं मैं रिएक्ट भी कैसे कर पाऊंगी उस चीज़ पे। एनीवेज जब तक ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले मैं सोच रही अपना ब्रेकफास्ट बना के ले आऊँ और उसके बाद बैठ के इस चीज़ पर लगूँ, बस मुझे ये फिक्स करना है। मैं इसे ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। एक तो जब दिन ऑलरेडी इतना बेकार हो ना और ऊपर से ब्रेकफास्ट भी इतना बेकार। आई नो ये मेरी खुद की ऑप्शन है बट मैं इतना ज़्यादा अपने लैपटॉप को मिस कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ये सारी जो रिलेटेड टू कॉपीराइट या और भी सारी इन्फॉर्मेशन ये ना डेस्कटॉप स्क्रीन पे आती है। और इस टाइम क्या सीन है कि मैं जब लास्ट टाइम दिल्ली गई थी तो मेरे भाई को लैपटॉप की ज़रूरत थी, तो मैं अपना लैपी दिल्ली ही छोड़ आई हूँ। मेरे हस्बैंड का लैपटॉप ख़राब हुआ पड़ा है, इस टाइम मुझे लैपटॉप चाहिए। मुझसे सीरियसली अपने आईपैड का वेट नहीं हो रहा। आई गेस आज है 29 maybe और आईपैड आना है आई गेस 3rd maybe। आई कांट वेट। मुझे अपनी प्रॉब्लम फिक्स करनी है ना, मेरा अकाउंट बंद हो जाए। सो अभी तक जितना देखा है उससे ये पता लगा है कि उस वीडियो के कारण अकाउंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी इन फ्यूचर, बट इट्स फाइन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी
क्या होता है। एंड वी डन विद ब्रेकफास्ट और अभी ना मतलब मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड जसमीत ऊपर लंच की कर रहे हैं। लंच का वो देख रही है, हम दोनों डाइट पे हैं, हम दोनों की ना डाइट अलग अलग है, ये नहीं कि सेम चीज़ें खाते हैं। तो डिनर का मैं देख लेती हूँ, लंच का ऊपर वाली किचन में वो देख रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि जसमीत मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रीत डिलीवरी वाले का ना फ़ोन आया कि हमारे आईपैड का कवर आ गया। तो आई वाज लाइक ओके, तो उन्हें ना बड़ा वियर्ड लगा क्योंकि मेरा क्या होता है घर में कोई भी चीज़ आए तो मैं ना सबसे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो इस बार मैंने बड़ा ठंडा रिएक्शन दिया क्योंकि मेरे दिमाग में ना चल रहा है कि भाई कुछ अभी आईपैड होता या लैपटॉप होता कंप्यूटर होता तो मैं अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर सकती थी, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ऑलरेडी ना बड़ा स्ट्रेस में थी इस चीज़ से। तो उन्होंने जब कहा कि कवर आ गया तो मुझे और बुरा लगा कि अमेज़ॉन वाले ने आज ही मेरे जले पे नमक छिड़कना था, आगे पीछे भेज देते। वैसे इनकी डिलीवरी कई बार इतनी लेट होती है, अभी 3 दिन में उन्होंने भेज दिया। और हमने क्या किया है कि जो भी हमने सामान बाहर से मंगाया ना, हमने उसकी एक्सेसरीज़ वगैरह पहले इसलिए मंगा ली क्योंकि हमें ये सब कलेक्ट करने जलंधर जाना है, मेरी मौसी सास का बेटा आ रहा है बाहर से, तो हमने सब कुछ उससे मंगाया है। तो हम वहाँ स्टे करेंगे तो हमें कि कवर वगैरह सब पहले होना चाहिए सो दैट वो सेफ़ रहे, तो इसलिए बस पहले मंगा लिया। बट कवर अच्छा है। और बट प्रॉब्लम क्या हुई, हमने देखा था वाइट कलर में और ये आया थोड़ा ग्रेस में है, बट अच्छा है, अच्छा लगा हमें। बट सेम चीज़ हुई है वॉच के बैंड में, तो वो हमने मंगाया था स्पोर्ट्स बैंड वाइट कलर में, बट वो ना बड़ा अजीब सा ग्रे आया, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, वो हमने वापस भेज दिया। तो या हमने पहले एक्सेसरीज इकट्ठे कर लिए, सामान हमारा बाद में आ रहा है। बट अभी तक गाइज मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हुआ कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे करूं, तो आई रियली नीड योर हेल्प। अगर आप में से किसी को भी कोई भी थोड़ा सा भी आइडिया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या डीएम करके बता दो, आई नीड योर हेल्प, सीरियसली आई नीड योर हेल्प। मेरा अकाउंट नहीं बंद होना चाहिए बस। ओके गाइज, आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, अभी क्योंकि मुझे बहुत सारा थोड़ा बहुत काम करना है। So yeah, love you. Please support me and help me. Thank you.